आज मेरी नाइट ड्यूटी एनएसओ ड्यूटी रहने के वजह से मैं आज पेट्रोलिंग कर रहा था। पेट्रोलिंग करते हुए थोड़े लोग कंप्लेंट करेंगे, यहाँ मुरादनगर में पान के डब्बे किराना दुकाना ओपन है सब, और ये सिटी डायमंड होटल जो साफ सामने से देख रहे हैं बंद है शटर। अब पीछे का हाल भी आप लोग देखिए ना, पीछे भी 100 आदमी तक अंदर है। तो ये पूरा हैदराबाद का माहौल कल्चर ऐसा हो गया, सामने से शटर डाल ले रहे, पीछे से लोगों को अलो करके का पूरा होटल चला रहे। तो इस लिहाज से हम नाइट ड्यूटी हमारे इंस्पेक्टर हबीब नगर और हमारे CCS ACP साहब के साथ आज पूरा रेड कर रहे 3-4 जगह पे, उन लोगों को पूरा उनको केस लगा रहे, केस लगा के इसमें ओनरों को केस लगाएंगे और ओनरों को केस लगा के हम उसको बैंड ओवर भी करेंगे। बैंड ओवर करके उनके ऊपर अगर ऐसे मिले तो उसको उनको फोरफिट करा के बॉन्ड 50,000-1,00,000 का ऐसा करके हम इसमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सब अक्सर सपा जब उतरा आसिफ नगर में या टास्क फोर्स डाल रही है, आप कर रहे हैं एरिया पुलिस स्टेशन की नॉलेज में नहीं है साहब, तो कितने आदमी जब बैठ रहे कर रहे हैं होटल का ओपन चलाने की, इसकी वजह क्या है साहब? नहीं, ये क्या है, ये जनरल ही जाए गए खुद, तो जो लोकल पुलिस वाले गए खुद बंद कर दे रहे, फिर उन्होंने आदत फिर स्टार्ट कर दे रहे। और इसमें भी अपने लोगों का कुछ फॉल्ट है कि हम उसके ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं, हमारे CP साहब वो उन लोगों को CP साहब के पास भी ये बात शक की नज़र से देख रहे हैं, क्या हमने पुलिस वाले ही उन लोगों को सपोर्ट कर रहे क्या, बोले ऐसा वो एक है ना तो अपन को शक है। तो वैसे लोगों के ऊपर हम एक्शन ले रहे, उन लोगों को सस्पेंड करेंगे, रिपोर्ट लिख के CP साहब के पास, और वो चार्ज में उस ऐसा एक CP साहब के क्लियर इंस्ट्रक्शंस है इस बारे में कि पेट्रोल कार्ड्स और बीट कार्ड्स जो BC सरते साइकिल मोटर फिरते उन लोगों के ऊपर चार्ज मेमो देना और उनके ऊपर एक्शन लेना, बल्कि CP साहब के भी ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, हम इसको फॉलो करेंगे और उन लोगों को भी टाइट करके लोकल पुलिस वाले भी इसको सही तरह से अमल करें ऐसा हम देखेंगे। तो कितने लोग को कस्टडी में लिए? अब तक 3 जनों को लिए एस्टेब्लिशमेंट वालों को, और जो जो दूसरे जो होटल में बैठे हुए हैं उन लोगों को वार्निंग देके काउंसलिंग देके छोड़ रहे हैं, और एड्रेस सेल नंबर लेके अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो उनको भी एविडेंस के ऐसा इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को हम आइंदा एक गाड़ी लेके DCM लेके एक फोर्स लेके पूरा उनको DCM में चढ़ा लेके पोलिशनों को ले आके सुबह में बैठ के उनके एल्डर्स को बुला के घर वालों को बुला के काउंसलिंग करके हम इसको छोड़ने का इरादा है। एक अवेयरनेस ला के बड़े लोगों से बात करके अपने बच्चों को अपने घर वालों को कंट्रोल करने के लिए हम हिदायत देंगे। बताइए।